जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पा सकती है, लेकिन वो शक्तियां सिर्फ पूर्णिमा की एक रात तक ही उनके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है और कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रतन लाल जी के साथ। परंतु रतन लाल आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ ही विशाल पेड़ के पास रहती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतनलाल जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं पर थे। वो उन्हें देखकर थोड़ा डर गया और तुरंत वहां से जल्दी जल्दी घर को निकला। परंतु उस रात से वो चीज जो चमक रही थी बार बार रतन को याद आ रही थी। वो इतना तो समझ गया कि वो हो ना हो कोई बहुत मूल्यवान चीज थी और सोचने लगा कि अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन जब वो वापस जंगल में उस पेड़ वाले स्थान पर गया, कुछ दूरी पर खड़े होकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रतन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन जब मौका आया, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से रतन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने रतन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, किंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रतन को जैसे ही मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और महंगे दामों में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। रतन को पता था कि ये उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रतन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सीमा नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से रतन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश का व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है,
जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कई बढ़कर बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार को एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तो इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब उसे एक बूढ़े बाबा ने यहीं दफना दिया था और रतन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई घटना होती है या फिर वो दुखी होता है तो वो उसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। रतन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इस जगह लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन दोनों की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद वापस पहाड़ी से होते हुए वो लोग घर को जाने लगते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े से पत्थर से टकराती है और झटके के साथ रतन तो कार में ही फंसा रह जाता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे एक गहरी खाई थी। और दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। रमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रतन रमेश को देखकर चौंक जाता है। रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रतन को बताती है कि एक दिन वो भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति में फंसी थी जब रतन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब आपका कोई अपना छिन जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल तक छोड़ वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। फिर वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस मणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर वो उस गलती को कभी भी ठीक नहीं कर पाता और अंत में बस पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।